हम बात करते हैं INS ब्रह्मपुत्र की। भारतीय नौसेना के बेड़े का वो युद्धपोत जिसकी ताकत और उसकी क्षमता का कोई सानी नहीं है। वो वॉरशिप जिसमें हवा में मार करने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हुए हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी ताकत है और दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेवी का ये वॉरशिप समंदर में डूबता दिख रहा है? कैसे हुआ ये हादसा, ये फिर उठ खड़ा होगा? INS ब्रह्मपुत्र आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय नौसेना की वो ताकत जो कभी समंदर की शान हुआ करता था, भारतीय नौसेना की वो ताकत जिसे समंदर का शेर कहते थे, लेकिन आज पूरी तस्वीर बदल गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जब INS ब्रह्मपुत्र को साल 2000 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, तो दूसरी तस्वीर अभी की है, जब INS ब्रह्मपुत्र को समंदर में एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। नेवी के इस वॉरशिप का आधा हिस्सा समंदर में डूबा हुआ है। नेवी की शान और भारत की जान को समंदर में एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरफ झुके हिस्से को सीधा करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अब तक इसे सीधा नहीं किया जा सका। क्या फिर उठ खड़ा होगा INS ब्रह्मपुत्र? आखिर समंदर में कैसे डूबा नेवी का वॉरशिप? जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के इस युद्धपोत में रविवार को आग लग गई थी। आग लगते ही पूरा वॉरशिप धू धू कर जल उठा। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक ये वॉरशिप मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर मेंटेनेंस के लिए रखा गया था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। ये घटना उसी वक्त हुई जब युद्धपोत मुंबई बंदरगाह पर खड़ा था। नौसेना डॉकयार्ड और बंदरगाह में दूसरे जहाजों की तकनीकी टीमों के जरिए आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन घटना के बाद नेवी का ये वॉरशिप एक तरफ झुक गया। जहाज अपने लंगर के पास और भी ज्यादा झुकता जा रहा है और फिलहाल एक तरफ टिका हुआ है। नेवी के अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हादसे के बाद से एक जूनियर नाविक लापता है और बचाव दल उसकी तलाश में जुटा है। इस घटना के बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हुए घटना की जानकारी दे दी है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय नौसेना के जहाज ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना और इस घटना से हुए नुकसान से अवगत कराया है। रक्षा मंत्री ने लापता नाविक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। जहाज की पोतगाह में मरम्मत की जा रही है। इससे पहले 19 जुलाई को गोवा के तट के पास मर्चेंट नेवी के शिप में आग लगी थी। तब जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। ये जहाज गुजरात के मुंद्रा से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था, जिसमें बेंजीन और सोडियम साइनेट जैसे खतरनाक कार्गो रखे गए थे। समंदर में लगी इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए डोजर विमानों की भी तैनाती की गई थी। अब INS ब्रह्मपुत्र में ये घटना घट गई। अब इंतजार इस बात का है कि नेवी का ये वॉरशिप एक बार फिर उठ खड़ा हो और समंदर में शान से चले। हालांकि अभी तक इस वॉरशिप के झुके हिस्से को उठाने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन नेवी की तरफ से इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि INS ब्रह्मपुत्र भारत और भारतीय नेवी की शान है, और अब आपको इस वॉरशिप की हम पांच खास बातें भी बता देते हैं। तो INS ब्रह्मपुत्र स्वदेशी रूप से निर्मित पहला निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है। अप्रैल 2000 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS ब्रह्मपुत्र का वजन तकरीबन 5300 टन का है और उसकी लंबाई 125 मीटर है, चौड़ाई 14.4 मीटर है और ये 27 नॉट से अधिक की गति से चलने में सक्षम है। वहीं बात करें INS ब्रह्मपुत्र पर 40 अधिकारियों और 330 नाविकों का दल तैनात होता है। जहाज मध्यम दूरी, निकट दूरी और सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो लॉन्चरों से लैस है। साथ ही जहाज पर कई तरह के सेंसर्स भी लगे हुए हैं, इससे चेतक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। INS ब्रह्मपुत्र ने 2006 में लेबनान संघर्ष के वक्त ऑपरेशन सुकून में भी अहम भूमिका निभाई थी। जहाज का नाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। जहाज
का प्रतीक चिन्ह में नीली समुद्री लहरों और भारतीय गेंडे को दर्शाया गया है। तो ये INS ब्रह्मपुत्र की खासियत है जो कि फिलहाल अभी संकट में नजर आ रहा है। Z News.